नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं पूरे सिलेबस में से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का नाम है बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास नाइन्थ। क्वेश्चंस ऑफ क्लास नाइन्थ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास नाइन। एंटायर सिलेबस से देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास नाइन। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिजिक्स में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखें तो फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। ठीक है बेटा, मोशन, देन वी गो फॉर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यहां पर ले लेते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो मेरी फेवरेट है वो होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या होती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, दे आर द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मेथड ग्राफिकल एंड ग्राफिकल मेथड है, एक मेथड और है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड एंड ग्राफिकल। देन द सेकंड वन क्वेश्चन इज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देन द फोर्थ वन इज ग्राफ्स। जितने भी ग्राफ हैं मोशन चैप्टर में वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन द फिफ्थ वन इज, ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और उसके टाइप, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है बेटा, उसके बाद सिक्स्थ है मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसकी, कंडीशंस भी हैं। देन द नेक्स्ट वन, एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस चैप्टर में यही कर रहे हैं। और आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, चलें। अब उसके बाद आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन। क्या आता है? लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ने हैं हमें? ऑल लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, विद एग्जांपल। ठीक है, सारे लॉ पढ़ने हैं एग्जांपल के साथ में। उसके बाद बताना है इनर्शिया, इनर्शिया का टाइप। थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? देन आता है मोमेंटम की डेफिनेशन, इंपल्स की डेफिनेशन, मोमेंटम, इंपल्स। देन वी गो फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, एंड द सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। यू हैव टू प्रूव इट। सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। ठीक है, उसमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पे न्यूमेरिकल्स। और आपको एनसीईआरटी का बेटा, बच्चों एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो या इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, सारी क्वेश्चंस क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। देन वी गो फॉर ग्रेविटेशन। फिर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं। और ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन में मेनली पढ़ना है हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन इट्स एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी, जो भी फैक्टर है आपके, हाइट, डेप्थ, पोजीशन, रोटेशन, डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है मास और वेट में डिफरेंस, मास वर्सेस वेट डिफरेंस। देन वी गो फॉर वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये इसके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या करना है आपको? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो बच्चों करके ही जाने हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एवरीवन हैज टू सॉल्व। ठीक है, क्लास नाइन की फिजिक्स वैसे ही बहुत सिंपल है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन मैसेज योर डाउट और योर क्वेरी टू मी। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन गिव यू द बेटर क्लैरिफिकेशन
और हम लोग अपना 10th का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 4th of March. That's why you have to join it for better result. देखिए, और हम नेक्स्ट चैप्टर है सी में हमारा, अगला चैप्टर है हमारा कौन सा, वर्क एनर्जी पावर. तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो then we go for वर्क एनर्जी पावर. इसके बारे में पढ़ेंगे हम, वर्क एनर्जी पावर के बारे में. We have to study वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है बेटा, फिर हमें वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है. देखिए, तो वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले वर्क के टाइप, वर्क एनर्जी एंड पावर. इसमें क्या आता है, वर्क, इसके टाइप. ठीक है, टाइप ऑफ वर्क डन, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ वर्क डन. क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ वर्क डन. देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा 1 joule, 1 watt, 1 horsepower और 1 kilowatt hour. ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ें अच्छे से. देन वी गो फॉर एनर्जी. एनर्जी में आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन याद रखें. सेकेंड लॉ का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वाले चैप्टर में था. सेकेंड लॉ का डेरिवेशन बहुत बार आता है एग्जाम में, एफ इक्वल टू एम ए प्रूव करते हैं ना, आता है. ठीक है, उसके बाद एनर्जी के बाद क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी. इसका डेरिवेशन इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कौन से वाले न्यूमेरिकल, कुली वाले न्यूमेरिकल है ना, कुली वाले न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं. देन वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का डेरिवेशन बाय पेंडुलम और बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी. देन वी गो फॉर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. देन एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट. रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट, कमर्शियल एंड एसआई यूनिट. ठीक है, कमर्शियल और एसआई यूनिट किसकी, एनर्जी की. ठीक है, एनर्जी की कमर्शियल और एसआई यूनिट के बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन प्रूव करना है कमर्शियल और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच में. देन वी गो फॉर, और इसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल तो मस्ट है भाई, है ना, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, बहुत जरूरी है. देखिए, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, हटा दें इसको, आप जल्दी से इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे किस मिलेंगे, मुझे 10th क्लास में मिलेंगे अच्छे रिजल्ट के साथ. देखें, तो अब आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू गिव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन, हमें क्वेश्चन देने हैं किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर. ठीक है बेटा, अब देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, इज मेटल अराउंड अस प्योर. देखें केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं वो देख लो पहले. तो पहला है इज मैटर अराउंड अस प्योर, अराउंड अस प्योर. ठीक है, और उसके बाद है एटम एंड मॉलिक्यूल. देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं. चले, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर देखो पहले. तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहले बताना है आपको, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, गिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट. ठीक है, अलॉय, अलॉय पता होना चाहिए आपको क्या होता है. ठीक है, द फोर्थ वन इज, ठीक है, वी हैव टू राइट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेशन टेक्निक्स, Different separation technique, different separation techniques. ठीक है बेटा, हमें different separation technique पढ़नी है. ठीक है, जैसे like centrifugation बहुत बार आता है, chromatography बहुत बार आता है. ठीक है, purification of water है ना, किस तरह water को हम treatment करते हैं, किस तरह हम water को distribute करते हैं, ये सब पता होना चाहिए. एक बहुत important question है इसमें, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज. फिजिकल ये मान लो 100% आना है ये तो, वर्सेस केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज. ठीक है बेटा, नाउ वी मूव टू एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम एंड मॉलिक्यूल में चलते हैं. सबसे पहले बताओ मॉलिक्यूल क्या होता है.
एटम क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ वी हैव टू गो फॉर, ठीक है, उसके बाद बताना है आयंस क्या होते हैं हमारे, आयंस के टाइप क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिकुलर मास क्या है, व्हाट इज मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास किसे कहते हैं, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें आइसो, इस बार देखो आइसोटोप्स, आइसोबार, इसकी एप्लीकेशन, आइसोबार्स आपको लिखना है, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन रदरफोर्ड, ये ड्रॉबैक लिखने हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद यहां पर क्या था हमारा, एटॉमिक नंबर लिख लो यहां पर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, बेटा याद रखें आपको लगभग 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, इनिशियली एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, इसमें लिखो यहां पर आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन कौन से लॉ है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कौन सा वाला, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। फिर आता है मूल कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मूल कॉन्सेप्ट, वन मोल की डेफिनेशन, वन एएमयू की डेफिनेशन एटसेट्रा, बाकी वैलेंसी की डेफिनेशन, वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। मैं ऐसे ओवरव्यू ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ना पूरा 100% व्हेन यू रीड एनसीईआरटी, कोई कुछ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या करनी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी गो फॉर बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में चलेंगे हम, पहले आप जल्दी से इतना नोट करें, ठीक है, फिर हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी में भी हमारे पास कम चैप्टर है इस बार, ठीक है, तो हम बायोलॉजी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, हटा दे बेटा। चलो अब चलते हैं हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बायोलॉजी के, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर वीडियो भी पड़े हुए हैं बायोलॉजी के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी मैम पढ़ाती हैं, तो आप कभी भी आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बायोलॉजी में दो कितने चैप्टर है हमारे पास, एक तो सेल है, एक टिश्यू है, ठीक है, और एक है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है बेटा। देखो इसमें इस चैप्टर का मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसमें एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक का डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा इस चैप्टर में हेल्थ और फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, मीन्स ऑफ स्प्रेड, मीन्स ऑफ स्प्रेड, आखिर कैसे कैसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। उसके बाद और देख लें इसमें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर रिक्वेस्टिंग मी अगेन एंड अगेन, सर प्लीज इस पे एक वीडियो बना दो, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है और उनको इतना आ भी नहीं रहा है, ठीक है। अगला आता है इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन मतलब हमें क्या करना है, अपना इम्यून सिस्टम एडवांस करना है, डेवलप करना है। देन वी गो फॉर टिश्यू चैप्टर, देखो सेल में सबसे बड़ी चीज है प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल
और एनिमल सेल, ठीक है, न्यूट्रिशन बाय अमीबा, न्यूट्रिशन बाय अमीबा, अमीबा किस तरह न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ठीक है, लाइसोजोम एज, लाइसोजोम एज सुसाइडल बैग, एज सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है बेटा, जल्दी से देखिए इसमें एनिमल सेल प्लांट सेल का डायग्राम और उसका डिफरेंस आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में डिफरेंस, ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन डिफरेंस, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक। वैसे भी आज सरस्वती पूजा है तो माँ सरस्वती आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके मार्क्स बहुत ही बेस्ट आए आप और बहुत अच्छा करें, ठीक है, जैसे मेरी शुभकामना है। अब टिश्यू चैप्टर में देख लो क्या क्या पढ़ना है आपको, प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करना है तो उसमें जाओ प्लांट टिश्यू के टाइप्स पढ़ लो, टाइप्स पढ़ लो इसके, परमानेंट वाले, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट है, उसके बाद मस्कुलर, देन कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, प्लस बायोलॉजी के मैंने क्वेश्चन कम लिखे हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैम दे पाएंगी फिर आपको, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन का डायग्राम देख लेना, न्यूरॉन का डायग्राम टिश्यू में, ठीक है, एपिथेल मेरिस्मम से, ठीक है, सब टिश्यू जाएंगे हमारे। उसके बाद प्लांट टिश्यू उसके टाइप, एनिमल टिश्यू उसके टाइप, एनिमल टिश्यू उसके टाइप, इट्स टाइप, और प्लांट टिश्यू उसके टाइप, बाकी टाइप टिश्यू में क्या करना है आपको एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेनी है, चैप्टर आसान है, आप उसको समझ जाएंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। इंटरकेलरी, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू जितने सारे टाइप के टिश्यूज हैं, ठीक है, तो सेल चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, टिश्यू, देन व्हाई डू वी फॉलो, बायोलॉजी कंटेन 30 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 25, ठीक है, तो आप इस तरह इसको कवर करें। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं, पूरी ओम साइन अप क्लासेस की टीम आपके साथ है, आप अच्छे से पढ़ाई करें, नंबर अच्छे लेके आए, माता सरस्वती आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ठीक है। मैं श्याम पचौरी सर आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा, धन्यवाद, थैंक यू, ओम साइन अप।